चल रहा है स्टूडेंट, उस लेक्चर में आज मैंने पांचवा लेक्चर सेलेक्ट किया है और इस पांचवे लेक्चर में आपको हम करवाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, लास्ट में आप देखते रहिएगा। और सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें आपको बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इक्वल टू माने डीवी अपॉन डीआर, ऐसे मैंने बताया था। और यहां से एक फॉर्मूला बन के आया था इक्वल टू वी अपॉन एल, फॉर्मूला बन के आया था इक्वल टू वी अपॉन एल। तो आज क्या करना है, इसी को देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, डीवी इक्वल टू माइनस ई इंटू डीआर, इसको आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में राइट करना है। आज आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, डिफरेंस है पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, बट आज के इस लेक्चर में आज आपको इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाना है। और जब इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएंगे तो ये कैसे इंटीग्रल के फॉर्म में होगा, देखिए क्या कह रहा है, लीनियर इंटीग्रल। लीनियर इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि अब की बार लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा। इंटीग्रल को क्या बोला, लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो इंटीग्रेशन होगा किसमें, किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, और भी कैसा, लीनियर। लीनियर मीन्स क्या होता है, इसके पास लेंथ हो। अगर कहता है कि एरिया इंटीग्रेशन, तो यहीं पे एरिया हो जाता है डी ए, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये। कुछ इस तरीके से क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बनाना है वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए। वो कैसे बनता है उसके बारे में क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको फिगर मैंने बना के दिया, ऑलरेडी बनाया हुआ हूं, तो इस ग्राफ को पहले ऑब्जर्व करवाता हूं। स्टूडेंट देयर इज अ पॉइंट ए एंड बी, और पॉइंट ए और बी पे आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने इस तरफ कर दिया। व्हाट आई एम सेइंग अगेन रिपीट, पाथ जो ए एंड बी बना है ए से बी तक, यानी कि ए बी पाथ जो बना हुआ है, इस ए बी पाथ के किसी भी पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बना दिया। और इस पाथ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराया गया, तो आप लोगों को राइट किया गया है द वर्क डन टू मूव क्यू नॉट डीएक्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस डीएक्स, ओके। तो स्टूडेंट डीएक्स वहां पे मैंने सपोज नहीं किया, यहां पे सपोज किया डीएल, यहां पे क्या हो जाएगा डीएल, तो थोड़ा सा वर्क है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डीडब्ल्यू कट क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव क्यों लिया गया, इसके पहले के लेक्चर मैंने बताया था कि जब कभी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के आप अगेंस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है एक्चुअली में उसके अगेंस्ट आप चार्ज को रिप्लेस कराते हैं तो जो आपका वर्क डन होता है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डीडब्ल्यू कर्व क्या हो गया एफ इंटू माइनस डीएल, इतनी बात समझ आया। अब किसको मूव कराया जा रहा है, क्यू नॉट को, क्यू नॉट को। अब अगर मैं बोलूं कि चार्ज को आप क्या करो ए से बी पे रिमूव कराओ, चार्ज को क्या कराया जा रहा है, चार्ज को ए टू बी रूम मूव कराया जा रहा है, तो चार्ज क्यू नॉट को मूव कराया गया कैसे, फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, इसका मुझे क्या लाना पड़ेगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, चार्ज को कहां से मूव कराए ए टू बी, ए टू बी, नाउ हियर डब्ल्यू ए बी कल टू ए टू बी, डीडब्ल्यू कितना है एफ इंटू डीएल, एफ इंटू डीएल, सो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू नॉट ई होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई होगा, तो ए टू बी क्यू नॉट ई माइनस डीएल, क्लियर बात ना। अब क्या करो, क्यू नॉट को पीछे लेकर आओ, इसके नीचे भी ला सकते हैं, आप कह सकते हो सर यह हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एंड माइनस ए डी एल, ठीक है। तो अब ये क्या है, देखो ध्यान से समझिए, पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वर्क डन होता है, तो जो चार्ज होता है उनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले कौन होगा, वीबी होगा कि एबी होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ए से बी पे लाएगा तो वीबी माइनस वी ए, वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू ए टू
बी ए इंटू डी एल। अब कंसिडर कर लो कि पॉइंट ए कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। सपोज किया गया, अरे भाई आपको अगर यहां पे पोटेंशियल चाहिए, अगर आपको पॉइंट बी पे पोटेंशियल चाहिए, क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा, ना कि आप ए से लेकर आओगे। चार्ज को कहां पे लाओगे, इनफाइनाइट से कहां पे लाओगे, बी पे। चार्ज को कहां से लाना है, इनफाइनाइट टू बी, तो ए कहां पे हो गया, इनफाइनाइट, तभी तो आपको पोटेंशियल मिलेगा। तो ये हो जाएगा वी वी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ए इंटू डी एल। अब देखो ध्यान से, अब देखो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल, बहुत बड़ा अजूप्शन है ये फिजिक्स का कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है उसको हम जीरो सपोज करते हैं, तो जीरो हो गया इसका। तो यहां पे राइट कर दीजिए वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो, तो काम खत्म। तो वी बी इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ए इंटू डी एल। ये है हमारा एक्सप्रेशन, देखो ध्यान से, सॉरी इनफाइनाइट से लाया गया। देखो पॉइंट बी पे पोटेंशियल कैसे हो गया, लीनियर इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में राइट करना चाहते हैं, किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में राइट करना चाहेंगे तो कुछ करना नहीं है, बस यहां पे वेक्टर लगा दो, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इनफाइनाइट टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएल। ये रहा स्टूडेंट, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है बट किसके फॉर्म में, इंटीग्रेशन हुआ है, कैसा इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस रिपीट इट, कंसीडर देयर इज अ पाथ ए बी ऑन विच बी हैव सेलेक्टेड अ वेरी स्मॉल लेंथ डी एल एंड देयर इज अ पॉइंट क्यू नॉट विच इज मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो वर्क डन बाय डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वी हैव टू मूव द चार्ज फ्रॉम गिवन पॉइंट ए टू बी। सो फॉर पॉइंट ए टू बी डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू मूव फ्रॉम ए टू बी, वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। सो डी डब्ल्यू हियर डब्ल्यू इक्वल टू फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डब्ल्यू इक्वल टू वॉट एफ माइनस डी एल, एफ माइनस डी एल, ओके। नाउ वी नो दैट द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। सो हियर पुट द वैल्यू एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट, क्यू नॉट इज आउट एंड हियर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी इन टू डी एल, ओके। डियर स्टूडेंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वाई, बिकॉज वी आर मूविंग टू चार्ज फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वेन टू पॉइंट इज गिवेन एंड चार्ज इज रिप्लेसिंग फ्रॉम वन दैट पॉइंट, बिटवीन दैट पॉइंट, देन वी गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। सो इट विल वॉट वी बी माइनस वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी इन टू डी एल। बट कंसिडर कंसिडर, बिकॉज वी हैव टू चूज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी हैव टू चूज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो वी हैव टू डिजायर द वन पॉइंट इज दैट इनफाइनाइट, बिकॉज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज कम फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट पॉइंट, ओके। सो कंसिडर हियर एट वी हैव टू डिसाइड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सो लेट्स सी, दिस इज द एट द इनफाइनाइट, कंसिडर पॉइंट ए इज एट इनफाइनाइट, दिस इज द अजम्पशन, ओके। नाउ एट इनफाइनाइट पोटेंशियल इज वॉट जीरो, सो हियर वी कैन पुट द वैल्यू वी इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो, सो वी गेट वी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू बी ई डॉट डी एल। इफ वी राइट टू इट इन वेक्टर फॉर्म देन वी गेट द वैल्यू वी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल। मुझे लगता समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स बना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और लेट्स सी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर हम बात करते हैं जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सो नोट डाउन इट, ओके बच्चा, तो देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, बहुत डीपली समझना है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं जो कि आपके लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो प्लीज क्या करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए समझने का कि इसके कॉन्सेप्ट कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। और आगे मैं टॉपिक दूंगा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वहां पे कुछ और भी बातें बताई जाएंगी, तो वहां पे थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे अच्छे समझिए, बिकॉज ये क्वेश्चन जो डिपेंड है कुछ इसी पे भी डिपेंड है। इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, मैं आपको बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडिएंट, जो कि आपको पता हो चुका है, इसलिए मुझे ज्यादा उस पर बताने की जरूरत
नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो देखते हैं भाई कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए ये तो आपको बहुत पुरानी बात पता है, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, और ये कोई रीजन बनाया गया है, और जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही ड्रिंग करके ऐसे फ्रॉम दिस टू दिस, इस साइड से आ रही है। और कुछ यहाँ पे लोकेशन दिए थ्री पॉइंट के, ए बी सी, इसका जो लोकेशन है ए पे 4,1 पे, बी कितना है 4,4, और सी कितना -3,4, यानी कि इधर 4 चला होगा, इस तरफ 4, और इस तरफ कितना चला होगा 3। ठहरे को समझ में आ गया होगा इतना, 4 3 4 3 4 3, क्लियर हुई बात। तो आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा बी ए बताओ, डेल्टा बी ए यानी कि इसके कहने का मतलब ये था कि वी बी माइनस बी, देखो बी एंड ए मतलब क्या, बी और ए यानी कि चार्ज को कैसे किया गया होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। बी से अगर ए के बीच पूछ रहा है, इसका मतलब चार्ज को ए से मूव करके कहां ले गया गया होगा, बी पे, ए से कहां ले गया होगा, बी पे। तो अब मैं आपको बताऊं एक कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को, ध्यान समझिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हैं ड्रिंग करके, ध्यान समझिएगा, अगर आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हैं, याद रखिएगा दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे, क्लियर। कैसे मैं जान पाया, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन ए टू बी, ई डॉट बी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा वैसे, तो इंटीग्रेशन ए टू बी, ए टू बी, और यहां पे देखो ई डी एल कॉस थीटा होगा, और यहां पे थीटा कितना 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डीएल किधर है ऊपर, तो एडीएल कॉस 90, बोलो भाई कितना हो गया, जीरो कि नहीं जीरो है, देखो फॉर्मूला ही तो होता था इसके पे जो आया था ए टू बी ई डॉट डीएल, तो एडीएल कॉस थीटा होता है, थीटा क्या है 90 डिग्री ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डीएल इधर, एंगल कितना बना है 90 बाई जीरो। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराएंगे तो जान लीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आना है, अगर आपको बी नहीं होता, देखो यहां पे आ ही गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वीसीबी, वीसीबी ठीक है, वीसीबी कितना है, वीसीबी का मतलब क्या आ रहा होगा कि चार्ज को सी माइनस वीबी, देखो चार्ज को कैसे मूव करा गया होगा B टू C, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान देखना इसको भी, इंटीग्रेशन कहां से मूव कराया गया B टू C पे, B टू C, और E डॉट dl माइनस भी होता था, रख दो माइनस, E कितना था यहां पे, इंटीग्रेशन काम खत्म कर सकते हैं ना आप, बिकॉज डिस्टेंस तो आ ही जाएगा, डिस्टेंस तो यहां पे गिना है 4, ये कितना है 3 है, तो ये इतना हो गया, इंटीग्रेशन खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 300, डिस्प्लेसमेंट कितना करवाए हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया 7, 4 यहां पे 3 यहां पे, 4 3 7 कितना आएगा 2100 बोल्ट। समझ में आ रही पूरी बात ना, कुछ करना नहीं था इसको, यहां देखो अगर पैरेलल मूव कराते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन हो गया, बट अगर आप परपेंडिकुलर मूव कराते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को तो 100% कोई फील्ड कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना। हाँ अब इसको देखो, ये वीसीए क्या है, डेल्टा वीसीए, तो इसको भी क्या राइट कर सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा था, यही इतनी बातें, तो ये हो जाएगा वीसी माइनस वी ए, वीसी माइनस वी ए, तो अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, वीसी माइनस वीबी, वीसी माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वी ए, वीसी माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वी ए। तो अब देखो वीसी माइनस वीबी ये जो आया है कितना आया है -2100,
और वी बी माइनस वी ए कितना आया था? जीरो। यानी कि डेल्टा वी सी ए वैल्यू भी कितना आ गया? माइनस 2100 वोल्ट। तो प्लीज क्या करिए, अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को फिर से पॉज करिए और देखिए आराम से, वीडियो को फिर से पॉज करिए देखिए आराम से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को पैरेलल मूव कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है, बट अगर आप परपेंडिकुलर मूव कराते हैं तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उससे कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में, उल्टा पुलटा हो जाता है। सो प्लीज क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा रहा, ठीक है। थैंक यू।